आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार के बारे में, तो जानेंगे कि कमोडिटी बाजार में आज कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आगे इसमें क्या संभावना है और कैसी तेजी मंदी रहेगी। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कमोडिटी से रिलेटेड ये रहेगा कि अगर मैं कॉटन की बात करें तो कॉटन के बाजार में कितनी तेजी अभी आगे बाकी है, क्या लगता है आपको? देखिए शालिनी, कॉटन अभी इस वक्त एमसेक्स पर 48,800 के ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है और आज 49,270 का भी हाई लगा चुका है। ये रैली हम कॉटन में तब से आते हुए देख रहे हैं जब से कॉटन 45,000 के दायरे में कारोबार कर रहा था और उससे ऊपर निकलने के लिए तमाम कोशिश कर रहा था। विदेशों की तेजी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि कॉटन में घरेलू वायदा बाजार में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अभी तक हमारी जितनी भी एक्सपर्ट से बात हुई है उनका यही मानना है कि विदेशों में जो तेजी आई है उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया में भी कॉटन के प्राइसेस पर जरूर पड़ता नजर आएगा। तो जो कॉटन की जो प्राइसेस हैं वायदा में एमसीएक्स पर, वो 50,000 का भी लेवल दिखा सकते हैं अभी यहाँ से बहुत जल्द, जिस हिसाब से आज 49,270 का ही लगाया है। और दूसरा, इस बार कॉटन की जो बुआई है इस बार किसान भी ज्यादा करेंगे, तो ऐसे में जो सेंटिमेंट्स बन रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कॉटन में वो तेजी वाले ही हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर 50,000 का लेवल छूती है कॉटन तो वहां से कुछ शार्प करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है जो कि कभी भी आ सकती है। अदरवाइज कॉटन के जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे यहाँ पे मजबूत ही नजर आ रहे हैं। जी अखिलेश जी, तो ये थी बात कॉटन की जो अखिलेश ने हमसे साझा की। आगे बढ़ते अगर अखिलेश जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में क्या बढ़त की आगे उम्मीद है, आपको क्या लगता है, इस पे क्या राय है आपकी? जी देखिए, बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा होता नजर आ रहा है कि फ्यूचर में जो दाम है वो कम है और जो हाजिर में वो ज्यादा है। अगर आप हाजिर बाजारों में देखेंगी तो हाजिर बाजारों में कॉटन हम देख रहे हैं कि 3,000 से लेकर 4,000 की रेंज में बिनौला खल दिख रहा है। वहीं पे अगर फ्यूचर मार्केट की ओर देखें तो एनसीडीएक्स पर बिनौला खल का मई वायदा देख रहे हैं 2848 पर है। बिनौला खल को हमने एनसीडीएक्स पर 3400 तक कारोबार करते देखा है, लेकिन उसके ऊपर वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली, फिर धीरे धीरे जो मार्केट है वो यहाँ से गिरता चला गया। अगर फंडामेंटल्स की ओर नजर डालें तो फंडामेंटल साइड बिनौला खल मजबूत ही है। जैसे कि अगर दूध की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन इस बार कम है और बिनौला खल ही एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाता है, उनके फैट की मात्रा को बढ़ाता है, दूध के फैट की मात्रा को। तो फंडामेंटल साइड मजबूत ही है, लेकिन बिनौला खल में यहाँ पर खरीदारी थोड़ी कम हुई है लोगों की, जिसकी वजह से बिनौला खल में अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक थोड़ा सीमित दायरे वाला रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जून जुलाई अगस्त में बिनौला खल में हो सकता है कि कीमतों में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन अभी वक्त ही बताएगा कि बिनौला खल में आगे क्या प्राइसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मिल्क के जो प्राइसेस हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जी अखिलेश जी, तो अखिलेश ने जैसा बताया कि बिनौला खल में मजबूती जो फंडामेंटल्स है उसमें अभी मजबूती दिख रही है, तो ये थी बात बिनौला खल के। अखिलेश, अगर बात करें कि पिछले वर्ष ग्वार उत्पादन कम रहा था, तो क्या इस बार ग्वार की बुआई जो है वो बढ़ सकती है और आगे इसमें बाजार कैसा रहेगा? शालिनी देखिए, ग्वार में पिछली बार हमने देखा था कि जो मुख्य उत्पादक राज्य थे ग्वार के, वहां पर बारिश नहीं हुई थी और बारिश नहीं होने की वजह से जो ग्वार का जो उत्पादन था साल 2021 में वो काफी कम रहा था। अगर 2020 और 2021 के उत्पादन को, ग्वार के उत्पादन को कंपेयर किया जाए तो 2021 में 2020 के मुकाबले ग्वार का जो उत्पादन था वो लगभग आधे से भी कम था। वहीं इस बार जो वेदर कंडीशन है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, जैसे मानसून है और उसी दौरान जब मानसून का आगमन होता है हम देखते हैं कि ग्वार की जो बुआई है उसी दौरान की जाती है, क्योंकि रेन फेड क्रॉप है ग्वार एक, तो ऐसे में वेदर कंडीशन पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ग्वार का प्रोडक्शन कैसा रहता है। हाल फिलहाल में जो प्राइसेस हैं प्राइसेस ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, ऊपरी स्तर से थोड़े स्लिप ऑफ भी हुए हैं लेकिन अभी भी सपोर्ट लेवल्स पर देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्वारदम ग्वार सीड अभी आने वाले समय में और तेजी दिखाएंगे। हाल फिलहाल में हो सकता है कि कुछ सीमित दायरा देखने को जरूर मिले, लेकिन इन फ्यूचर ग्वारगम और ग्वार सीड में तेजी ही है। जिस हिसाब से अमेरिका ने भी बोला है कि वो अपने क्रूड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगा, उसमें बढ़ोतरी करेगा, तो अमेरिका में जब क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और वहां पे क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग होगी तो उसमें गम का जो
यूज है वो ज्यादा बढ़ेगा, और गम का यूज ज्यादा बढ़ेगा तो भारत से जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो इन फ्यूचर तो ग्वार गम ग्वार सीड में तेजी का रुझान नजर आ रहा है, बाकी बुआई वेदर कंडीशन पर डिपेंड करेगी। जी अखिलेश, अगर मसालों की बात करें, मसालों पे नजर डालें, तो आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड और भी कितनी ज्यादा आगे इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, कीमतें कब तक इसमें आगे और ज्यादा देखने को मिल सकती हैं? जी शालिनी, देखिए जब 2021 अंत होने को था और 2022 का आगमन होने वाला था, तब मसालों में हमने ठीक ठाक लेवल्स आते हुए देख लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर भारत में भी कोरोना की जो केसेस थे वो बढ़ने लगे थे, विदेशों में भी कोरोना के जो केसेस थे वो बढ़ने लगे थे, कई जगह पर लॉकडाउन भी लगते देखा था हमने। उसके बाद जो चाइना है, चाइना में भी अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मसालों का जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें थोड़ी कमी आई है। दूसरा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, जो लागत माल ढुलाई की लागत है, कॉस्ट है, फ्रेट चार्जेस, लेबर चार्जेस, उनकी कीमतें बढ़ी, उनमें इजाफा हुआ है, तो ओवरऑल जो माल ढुलाई की लागत है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो जहां पर जो पहले व्यापारी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर देते थे या फिर इंपोर्टिंग कंट्रीज में वाली कुछ एक्स्ट्रा सामान मंगा लेते थे, कुछ एक्स्ट्रा अपने पास माल रखते थे, वो अब सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्सपोर्ट डिमांड में थोड़ी कमी आई है। वहीं पर फंडामेंटल साइड देख रहे हैं कि इस बार थोड़े मजबूत ही है। धनिया की बात की जाए तो धनिया की बुआई कम है, जीरे की भी बुआई कम है, बाकी यदि जिस हिसाब से गर्मी का सीजन है तो इसलिए भी थोड़ा जो डिमांड है यहाँ पर थोड़ी कम देखने को मिल रही है। बाकी शादी ब्याह के सीजन चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिला हुआ है मसालों की प्राइसेस को। अभी हाल फिलहाल में मसालों में देखा जाए तो उठापटक वाला माहौल ऐसे ही बना रहेगा, कभी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली, कभी निचले स्तर से खरीदारी। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट से अभी तक हमारी बात हुई है, उन्होंने उन एक्सपर्ट्स ने यही बताया है कि जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने ऐसे होंगे जब मसालों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर मसालों का जो भविष्य है वो तेजी की ही हो रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट डिमांड हिट होने की वजह से थोड़ा नरमी देखने को मिल रही है। जी अखिलेश जी, तो जैसा अखिलेश ने बताया कि मसालों में आगे तेजी का रुख हो सकता है, मजबूत है फंडामेंटल्स, तो अखिलेश अगर सोयाबीन की बुआई अच्छी रहती है तो क्या इसकी कीमतें गिरेंगी या फिर डिमांड अच्छी चलती है और आगे मतलब क्या इसमें क्या कुछ आगे आपको देखने को मिल सकता है सोयाबीन की बात करें तो? जी शालिनी, देखिए सोयाबीन की प्राइसेस है हमने पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ बेहतर होते हुए देखे हैं। 2021 में तो हमने देखा था कि बुआई से पहले प्राइसेस 10,000 11,000 तक गए थे, क्योंकि बुआई के लिए किसानों के पास बीज नहीं था, लेकिन फिर सरकार ने सोयाबीन खल का आयात कर दिया था जिसकी वजह से प्राइसेस टूट गए थे। तो जो 10,000 11,000 का भाव गया था साल 2021 में, उसकी देखा देख किसानों ने इस बार सोयाबीन की जो बुआई है करी थी। अब सोयाबीन की बुआई जहां पे कर दी लेकिन पिछले साल से ज्यादा हुई है, तो जो प्राइसेस हैं वो शुरुआत में तो इतने देखने को नहीं मिले थे, लेकिन अब जाके कुछ सुधरते नजर आए। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ग्लोबली हम देख रहे हैं डिमांड और सप्लाई में एडिबल ऑयल पैक में पूरे में गैप है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। दूसरा, सोयाबीन का भी जो सीजन है अब आने ही वाला है, सोइंग सीजन बुआई का सोयाबीन का, तो ऐसे में सोयाबीन की जो बुआई है ज्यादा देखने को मिलेगी। तिलन, जितनी भी तिलन फसलें इनफैक्ट उनकी जो इस बार सोइंग है वो ज्यादा बताई जा रही है कि इस बार ज्यादा होने का अनुमान है, तो जिससे कि उसका जो तेजी का है थोड़ी थमती नजर आ सकती है। लेकिन ज्यादा गिरावट इसमें अभी भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डिमांड है, डिमांड फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडिबल ऑयल पैक में। तो एडिबल ऑयल पैक में अगर सोइंग ज्यादा रहती भी है तो ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि डिमांड फैक्टर उसको कवर अप कर लेगा। अखिलेश, एडिबल ऑयल्स में आपको क्या लगता है कितनी मंदी तेजी है बाकी है, अभी क्या कुछ रह सकता है एडिबल ऑयल का बाजार आगे? जी देखिए, एडिबल ऑयल में भारत में सबसे ज्यादा जो खपत होती है, जो सबसे ज्यादा कंजप्शन होती है वो पाम तेल की होती है, और पाम तेल के जो दाम है इस समय इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक और निर्यातक देश है, वहां पर से इस पर बैन लगाया गया है, क्योंकि उन्हीं के देश इंडोनेशिया के अंदर ही जो पाम तेल है उसकी किल्लत देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वहां पे जो प्राइसेस थे वो सातवें आसमान पर पहुंच गए थे। तो जब वहां से बैन लगा तो पाम तेल में यहाँ पे तेजी आई। अब पाम तेल में तेजी आई खाद्य तेलों को मिला, जैसे कि रिफाइंड हो गया, सोया तेल हो गया, मूंगफली तेल हो गया, इन सब पर भी तेजी का असर देखने को मिला। तो भी कुल मिलाकर खाद्य तेलों का जो बाजार है ठीक ठाक ही है, तेजी हो रहा है, लेकिन अभी जैसे कि अब तिलहन फसलें आ जाएंगी और भारत भी मलेशिया के साथ जो व्यापार नीति है उस पर थोड़ा काम कर रहा है, थोड़ा वर्क कर रहा है कि वहां से कुछ आयात किया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी भी घटाई जाए,
तो ऐसे में इन खबरों की वजह से बीच में हो सकता है कि जो खाद्य तेलों का बाजार है उसमें कुछ नरमी देखी जाए। जी अखिलेश, कैस्टर में जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, कैस्टर में फंडामेंटल साइड तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है, लेकिन चाइना जो कि कैस्टर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर अभी जिस हिसाब से लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में वहां से कैस्टर की जो डिमांड है वो नहीं उठ पा रही है। तो एक बार चाइना वापस मार्केट में आता है तो चाइना की तरफ से कैस्टर ऑयल की जो डिमांड है वो निकलेगी, और अगर कैस्टर ऑयल की डिमांड निकलेगी तो भारत से कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो तब जाके कैस्टर की जो प्राइसेज है उनमें कुछ तेजी आ पाएगी। बाकी प्रोडक्शन साइड से देखा जाए तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैस्टर का जो प्रोडक्शन है पहले के मुकाबले कम रह सकता है, और भारत में जो डिमांड है भारत में थोड़ी बहुत उठती नजर आ सकती है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल्स जो मजबूती वाले हैं उनकी वजह से जो कैस्टर के प्राइसेज हैं अभी 7300 से 7400 तक की रेंज में चल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कैस्टर सीड NCDX पर 7600 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आने वाले समय में इन फ्यूचर कैस्टर में लंबी अवधि में 8000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा रह सकता है कॉमोडिटी बाजार। तो फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।